बुरहानपुर में ताप्ती नदी में आई बाढ़ के चलते नुकसान के बाद पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा है। बाढ़ पीड़ितों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ताप्ती नदी में बाढ़ आने के चलते हमारे मकान डूब चुके हैं। इसके साथ ही कई मकानों में अब तक बिजली पानी की समस्या आ रही है। बाढ़ पीड़ितों ने सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। परेशानी तो बहुत जा रही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान भी नहीं है, पूरा मकान पूरा डूब गया। काम मेरा तो आदमी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेके बैठी मेरे झोपड़े के अंदर, पूरा टूट गया, कोई आया नहीं, कितने ध्यान नहीं दिया। अभी आप क्या मांग कर रहे हो? अभी हम ये मांग करना चाहते कि जैसे सर्वे करो, हमारे हमारे जो घरदार है उनको आके देख लो। कोई नेता जनप्रतिनिधि आया? कोई भी नहीं आया। परेशानी तो बहुत है, अब लाइट भी नहीं, हमारे तो मीटर भी बंद पड़े हुए, अंधेरे में पड़े हुए, मोमबत्ती लगा के सिलगा के बैठे हुए, कुएं में पानी नहीं है, पानी की परेशानी हो रही है, अलग खाने पीने के पूरे कीचड़, आने जाने की रास्ता पूरा खराब हो चुका है, बहुत खाने पीने की परेशानी। कोई जनप्रतिनिधि कोई आया है? नहीं, कोई किसी तरह का सर्वे हुआ है? कोई भी न्याय ना, कोई अधिकारी न्याय ना, कोई भी न्याय। हमारे शुक्रवार के दिन तो यहाँ बाढ़ आई, बाढ़ आने पर पूरा इलाका डूब क्षेत्र में चला गया, लोग घर के बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, काम काज नहीं है। जहाँ शासन प्रशासन, अभी चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पर एक दूसरे की मदद के लिए लोग यहाँ आते, ना ही तो कोई MLA आया, ना ही कोई सांसद आया और ना ही तो मेयर आए थे, कोई आश्वासन उन्होंने देकर चले गए। नगर निगम के माध्यम से या किसी भी शासन प्रशासन के माध्यम से, MP, MLA, सांसद के माध्यम से, जहाँ आज तक कोई देखने के लिए नहीं लौटा,